बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अल्लाह के हुक्म से आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको एक नई जगह की सैर कराने जा रही हूँ, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी यह जगह। आप यहाँ पे ज़रूर जाएगा, अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ बहुत इंजॉय करेंगे। तो आज हम अपने घर से 450 किलोमीटर दूर गए हुए हैं, तो काफ़ी लंबा सफ़र था, लेकिन एक और फैमिली भी थी हमारे साथ, तो हमें सफ़र का पता नहीं चला। बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करते हुए गए हैं, एंजॉय करते हुए आए हैं। तो ये हम मोसा मिशल पे पहुँचे हुए हैं। तो ये हट की तरह पार्किंग थी, तो बहुत बहुत बड़ी जगह है। तो यहाँ से हम पैदल जा रहे हैं और ये बच्चे रास्ते में मस्ती करते हुए जा रहे हैं। धूप थी उस दिन, लेकिन हालांकि 40 टेम्परेचर बताया था इन्होंने, लेकिन फिर भी वहाँ पे बादल थे, हल्की हल्की बारिश की फुहार भी हुई थी, तो हमें इतनी गर्मी का एहसास ही हुआ। बहुत ही अच्छा मौसम था हमारे लिए। बहुत प्यारे प्यारे साथ पौधे लगे हुए हैं, और यहाँ देखें कितना ज़्यादा रश है। ये सब बस का इंतज़ार कर रहे हैं, लंबी लाइन है। तो हम घबरा गए थे जब यहाँ पे पहुँचे थे कि अब क्या करेंगे, कैसे पहुँचेंगे वहाँ पे। तो ये दूसरी तरफ जो बंदे जा रहे हैं, ये पैदल जा रहे हैं, इन्होंने कहा कि हम बस का इंतज़ार नहीं करेंगे, तो पैदल ही चल पड़े। लेकिन ये गलत डिसीजन था, बस का इंतज़ार करना मुनासिब था, क्योंकि एक बस में 20 से 25 बंदे जा रहे थे, तो जल्दी से बंदे फारग हो गए थे, और हमारी भी 10 से 15 मिनट में बारी आ गई थी। तो बड़े काफ़ी हटके थी वो जगह जहाँ हमने जाना था, जहाँ शातो था, पानी था, तो बहुत बहुत मज़ा आया हमें। तो बस भी तकरीबन हमें बस में भी 10 मिनट लगे थे, इतना हटके था वो। बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, तो हालांकि ये हटके है काफ़ी जगह, लेकिन फिर भी इतना रश और इतनी पब्लिक। असल में छुट्टियों के दिन चल रहे हैं, तो शायद इसलिए। तो आप जहाँ पे आप खड़े हो रहे हैं, अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे थे, फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, और बातें करते हुए पता भी नहीं चला। तो इस तरह हम बस में बैठने लगे हैं, यहाँ से 10 से 15 मिनट मज़ीद लगेंगे और हम अपने मंजिल पर पहुँच जाएंगे। वो आपको नज़र आ रहा होगा शातो, ये पानी में है, तो काफ़ी बड़ा ऊंचा चढ़ाई पे है। चढ़ते चढ़ते हमें काफ़ी टाइम लगा था पैदल, तो काफ़ी अच्छा सीन था, बहुत ही प्यारा, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, तो देखने में इतना ऊंचा नहीं लग रहा, लेकिन जब हम ऊपर चढ़ते गए तो काफ़ी बड़ा था, और काफ़ी जगह चढ़ाई की थी, काफ़ी जगह जब नीचे उतरने लगे थे तो काफ़ी लंबा लग रहा था हमें। तो ये पानी के अंदर है, बहुत ही खूबसूरत सीन है। ये सब विजिट करने के लिए ऊपर जा रहे हैं, ये तो काफी ऊपर था, मैं तो ज्यादा चढ़ी नहीं सकती, थक गई थी। और यहाँ पे बहुत सारे ये कैंटीन, बार, रेस्टोरेंट काफ़ी कदम कदम पे आपको नज़र आएंगे। तो काफ़ी ये शॉपिंग मार्केट भी है, लेकिन काफ़ी महंगी चीज़ें हैं यहाँ पर। बहुत ही अच्छी अच्छी मार्केट्स थी,
एंटीक्स नजर आएंगे आपको, खिलौने नजर आएंगे बच्चों के लिए। यहाँ पे आपको बहुत प्यारी प्यारी और डिफरेंट किस्म की चीज़ें नज़र आएंगी। बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि हम किसी पुराने ज़माने में पहुँच गए हैं। तो एक अलग सी ही फीलिंग थी ना, जैसे एक दुनिया से हट के किसी और जगह पर पहुँच गए। तो वीडियो थोड़ी आपको लंबी लग रही है क्योंकि मैंने इसको फास्ट नहीं किया, पहले ट्राई किया था फास्ट करके आपको दिखाऊँ, लेकिन इस तरह मज़ा नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा चलें इसी तरह मेरे साथ आप भी बिल्कुल ऐसे ही इंजॉय करें। तो यहाँ पे बच्चों ने रुक के आइसक्रीम पसंद की अपनी और आइसक्रीम खाई। तो जो चाहे आप रास्ते में इंजॉय करें, क्योंकि कदम कदम पे आपको रेस्टोरेंट और होटल वगैरह आपको मिलेंगे। और बहुत प्यारी प्यारी डिफरेंट किस्म की चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। देखिए रेट काफ़ी ज़्यादा थे इनके, तो ये तो नॉर्मल है विजिटिंग एरियाज में ऐसे ही होता है। अभी तो काफ़ी ऊपर चला थी जाने के लिए, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं बच्चों को लेके ऊपर चले जाऊँ। तो फिर हमने ज़्यादा ऊपर चढ़ाई की तरफ इरादा कैंसिल किया और बाकी जो लोग थे सब ऊपर चले गए थे, सब ने खूब इंजॉय किया। तो हम दरमियान में आपको बताती हूँ कि आगे हम रुके थे वहाँ पर मिडल में, वहाँ पर जाके थोड़ा सा विजिट किया देखा और फोटोज़ वगैरह बनवाई और इन्जॉय किया वहाँ पे। देखिए अभी काफ़ी लगातार ही लोग जो है ऊपर चढ़ रहे हैं और आगे भी इतना ज़्यादा रश है। तो यहाँ तक हम आए थे, ये बिल्कुल पानी के दरमियान में एक जगह बनी हुई है जिसमें आप बहुत अच्छा व्यू देख सकते हैं और बहुत ही मज़े की ठंडी ठंडी हवा थी। ये पता नहीं कौन सी जगह बनी हुई थी, शायद विश पॉइंट बना हुआ था जहाँ पे आप कोई विश कर सकते हैं वैसे नीचे गिरा के। ये देखिए पानी कितना प्यारा लग रहा है और बहुत ही प्यारा व्यू था यहाँ पे। ये हमारे शातों के बाहर वाली जगह है, बहुत ही प्यारा व्यू है। और शातों को जैसे हम पाकिस्तानी ज़बान में किला बोलेंगे, बहुत ही ज़्यादा रकबे पे फैला हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है।
और यहाँ इस ब्रिज पर मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया था। बहुत ही मज़े की ठंडी ठंडी हवा थी, दिल करता था जहाँ से मैं हिलूँ ही नहीं, के पानी के दरमियान में ब्रिज और ठंडी ठंडी हवाएं। और ये जगह थी जहाँ से चल के पानी में आप जा सकते थे, लेकिन ये जगह ऐसी है यहाँ पे कि जैसे दलदल वाली है ना, दलदल वाली मिट्टी, तो चलना भी थोड़ा मुश्किल था बड़ी एहतियात के साथ। तो इस जगह पे हम पानी के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी हमें, बस थोड़ा बहुत पाँव वगैरह टच कर सकते थे, लेकिन मैं पानी के अंदर हम नहीं जा सकते थे क्योंकि ये बहुत डेंजरस है, दलदल वाली जगह है, तो इसलिए यहाँ पे इजाज़त नहीं थी। तो यह कि थोड़ा सा हम गए थे पानी के पास, और लेकिन इतना गंदा और दलदल वाला पानी था, तो वापस आके हमने हाथ पाँव धोए मैंने और राजमा। तो यह कि यहाँ पे हम नहा नहीं सकते, पानी में जा नहीं सकते, इजाज़त नहीं है क्योंकि डेंजरस है ये पानी। यहाँ पे आपको कोई गंदा भी नहाता हुआ या पानी में जाता हुआ नजर नहीं आएगा, सब पानी के पास हैं लेकिन पाँव वगैरह गिर पा रहे हैं, तो आगे जाने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि बहुत डेंजरस है। ज़्यादा देर जहाँ पे नहीं रुके, मैं और आईमा वापस चले गए थे। वहाँ से हम फारुख होके अब दूसरी जगह पे आए थे, ये उस जगह से तकरीबन 40 मिनट का फासला था। तो अब हम रियल समुद्र पर आ गए हैं जहाँ पे हम नहाएंगे, इंजॉय करेंगे, खूब मज़े करेंगे, जिसका बच्चों को बेसब्री से इंतज़ार था। तो ये यहाँ पे ये सामिशल प्लाज है, इसमें बहुत ही साफ और बहुत ही मज़ेदार पानी है कि आप मुँह तक पानी आ जाता था, फिर भी आप अपने पाँव को देख सकते थे कि पानी इतना साफ शफाफ था। बहुत ज़्यादा रेत भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा पत्थरों वाली भी नहीं थी, तो बहुत ना इसे बोलेंगे मतवाजन समंदर था। तो ये तो बिल्कुल शुरू में है, पानी पीछे चला गया, तो अभी हम समंदर में दूसरा गहराई में जाएंगे, वहाँ पे खूब इंजॉय करेंगे बच्चे। ये देखिए कितना प्यारा व्यू है, बहुत ही साफ सुथरा समंदर था यहाँ पे। बच्चे उल्टे रास्ते से समंदर की गहराई में जा रहे हैं, ऐसे दूसरी तरफ से रास्ता था लेकिन उन्होंने बोला कि हम यहीं से फौरन उतरेंगे और जल्दी से पानी में पहुंचेंगे, हालांकि ये लंबा रास्ता था। आईमा के साथ बहुत ट्रेजिडी हो रही है। और इस तरह से हर कार पानी के अंदर आ गएंगे।
को हमने साथ ही सीधा रखा था। शेर से नीचे उतर के और सीधा पानी में गए तो मैं और फेस पहना हम चले गए थे पानी में। तो पानी आस्ते आस्ते पीछे जा रहे हैं, इसके काफी जगह छोड़ी हुई है। ओह देखिए मेरी सारी फैमिली वहां पे इंजॉय कर रही है पानी में, और यामिना तो पानी से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। एंड तक बड़ी मुश्किल से हमने इसे निकाला खींच के। बहुत प्यारा और साफ सुथरा पानी था, बहुत इंजॉय कर सकते थे यहाँ पे। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर जाइए जहाँ पे ज़िंदगी में, तो आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा, आप बहुत इंजॉय करेंगे और मुझे याद करेंगे। तो बाकी कोई जगह बताइए। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी लंबी सी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मैं याद रखिएगा। और आपको इसी तरह से बहुत सारी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, क्योंकि मैं बहुत सारी छुट्टियों में एंजॉय कर रही हूँ बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा मुझे कि आपके साथ शेयर करूँ। और लाइफ में नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है कि आपको मेरी वीडियो साफ नजर नहीं आती, वरना मैं अपने साथ आपको लाइव हर चीज़ शेयर करके दिखाऊँ। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा, गाँव में याद रखिएगा। और वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे ज़्यादा चाहूँगी, गाँव में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।